हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस सिटी बुक्स। यूथ टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने कैलेंडर लॉन्च कर दिया है और सभी एग्जाम्स की डेट विथ एग्जाम डेट सभी चीजें उन्होंने कंफर्म करके आप लोगों को बता दी है। अब एसएससी में कुछ टेक्निकल एग्जाम होते हैं, जैसे जेईई हो गया, सीपीओ, एसआई हो गया, इसके बाद सीजीएल हो गया, 10+2 हो गया, एसएसएल हो गए, और भी आपके अन्य जीडीसी और दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम होते रहते हैं। तो एसएससी में क्या है, जीएस पोर्शन में पूछा जाता है। तो जीएस पोर्शन के लिए हमने क्या किया है, रैपिड फायर लॉन्च किया है, जिसमें जीएस सामान्य अध्ययन परीक्षा पॉइंटर चैप्टर वाइज आपको मिलने वाली है। चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें रिविजन करनी है, जिससे कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक रिकॉल हो सके। और हमारा इस बुक को बनाने का मोटिव यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट पॉइंटर के रूप में रिकॉल हो जाए विथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक में, आप में कोई भी पोर्शन को आपको ओपन करके दिखा दूं, यहाँ पे पॉइंटर लिखा गया है, आंसर लिखा गया, तो वहां पे उसके रिलेटेड एग्जाम भी लिखे गए हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। जो अब ऑब्जेक्टिव पूछते हैं उसे ऑब्जेक्टिव को वन लाइन फॉरवर्ड में करके 2017 से लेकर 2023 इंक्लूडिंग 2024 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जो टीसीएस ने करवाए हैं, सभी एग्जाम्स के जीएस पोर्शन को यहाँ पे चैप्टर वाइज किया गया है। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इस बुक की प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 395 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 384 पेजेस की बुक रहने वाली है। एसएससी और आरआरबी की अन्य बुक का यहाँ पे कलेक्शन आप देख सकते हैं, जो हमारी लेटेस्ट बुक रहने वाली है, और इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। क्योंकि एसएससी 2024 और 2025 में जितने भी एग्जाम्स होंगे, उस एग्जाम के लिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सारे पॉइंटर इसमें दे दिए गए हैं। ये यूथ कंप्यूटर टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ये बुक आप जो अभी मैंने दिखाई, वो आप नजदीकी बुक स्टोर से या हमारे ऑनलाइन स्टोर ycitybooks.com या हमारे एप्लीकेशन YCT प्राइम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी ई बुक भी पढ़ सकते हैं, जो आप हमारे वेब में पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप टैब या पीसी में पढ़ना चाहते हैं, तो ycitypublication.com पर जाकर आप इसे ई बुक फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल है तो YCT प्राइम और YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। YCT प्राइम को आप आईफोन में भी डाउनलोड करके वहां भी पढ़ सकते हैं। खासकर बहुत सारी चीजें, लगभग 1200+ किताब इसमें आपको देखने को मिलती है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पर मिल जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। पॉइंटर में क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता दूं। शुरुआत होती है हमारे इतिहास से। इतिहास में पहला आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, साथ ही साथ विश्व के इतिहास जो पॉइंटर पूछे गए हैं वो भी आपको दिया गया है। फिर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था आता है, राज्य व्यवस्था के बाद आपका भूगोल, भूगोल में सबसे पहले विश्व का भूगोल, उसकी जानकारी के बाद आपको भारत का भूगोल देखने को मिलेगा, उसके पॉइंटर आपको मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर कंप्यूटर है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, और आपका ट्रेडिशनल जीके जो पूछा जाता है वो आपको दिया गया है। पूरा यहाँ पे लास्ट तक आपको दिया दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, जितने भी आपके एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में होंगे उसमें से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो लीजिए, फटाफट रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपका इतिहास का, इतिहास का प्राचीन इतिहास काल है। प्राचीन इतिहास काल में क्या है, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। भीमबेटका का पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो भारत के किस राज्य में स्थित है, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किस एग्जाम में पूछा गया, 2 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल के टायर सेकंड के एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया नवपाषाण काल में, ये कब पूछा गया है, एसएससी जेई के एग्जाम में इलेक्ट्रिकल के सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। सेक्शन फर्स्ट 11 के आपको फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है, 28 जून 2023 को हुआ, तो ये भी 2023 का, ये भी 2023 का है। फिर आपका प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले माइक्रोथ्रिनिक थे, पत्थर के औजार थे, ये कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में, 2020, 2019, 2021, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या क्या मैंने बताया था आपको, 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन 6 से 7 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जामों को क्या किया गया, वन लाइनर के फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिया गया है। पाषाण एज के बाद आपका क्या, वैदिक कल्चर आता है, वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर उसका महाजनपदों का उदय आता है, इसके बाद आपका बौद्ध धर्म हो गया, तो टॉपिक वाइज दे दिया गया। ऐसा धर्म, मौर्य साम्राज्य, कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले 6 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मौर्य साम्राज्य, गुप्तोत्तर समाप्त, पोस्ट गुप्त एम्पायर हो गया, गुप्त एम्पायर हो गया, साउथ इंडिया डायनेस्टी हो गई, पाल सिंह कश्मीर डायनेस्टी हो गए, राजपूत काल हो गया, राजपूत काल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिया गया है, यानी कि एकदम ही क्रीम चीजें रहने वाली, यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वो चीजें आपको दिखाई गई है। तो जल्दी करिएगा, नजदीकी बुक स्टोर में जाइएगा, ये बुक आप देख रहे हैं जीएस रैपिड फायर 26,080 क्वेश्चन का कलेक्शन, कुछ चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल मिलने वाला है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमारे एप्लीकेशन से ई बुक फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, प्राइम एप्लीकेशन हो गया, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप हो गया, वेब वर्जन वाईसीटीएप्लीकेशन.com पढ़ सकते हैं, नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर ले सकते हैं, या हमारे ऑनलाइन स्टोर वाईसीटीबुक.com से भी ले सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ, चैनल पर बने रहिएगा, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।